जिन्होंने अपने जीवन में एक ही मकसद माना है और वो है मध्य प्रदेश के विकास और मध्य प्रदेश की प्रगति। ऐसे शख्सियत यशस्वी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी का हम तालियों की गड़गड़ाहट से हम लोग स्वागत हैं। ये ग्वालियर की तालियां नहीं है, पीछे तक सुनाई देनी चाहिए ऐसी तालियां। मनप्रताप सिंह केंद्र सरकार के कृषि मंत्री, लेकिन ग्वालियर के सपूत जिन्होंने इस ग्वालियर का विकास, चंबल संभाग का विकास और मध्य प्रदेश के विकास में सदैव केवल अपना योगदान नहीं, लेकिन योगदान के अलावा सदैव एक नई शुरुआत की, ऐसे हमारे केंद्र मंत्री आदरणीय नरेंद्र सिंह तोमर जी, हमारे प्रदेश के अध्यक्ष, खजुराहो के सांसद, लेकिन है इस चंबल के माटी के आदरणीय बीडी शर्मा जी, मंच पे आसीन क्षेत्र के पूर्व सांसद, मध्य प्रदेश सरकार के पूर्व मंत्री आदरणीय जयभान पवैया साहेब, मनप्रताप सिंह जिनके परिवार की एक पृष्ठभूमि रही है सेवा भाव की, ग्वालियर के हमारे यशस्वी सांसद आदरणीय विवेक शेजवलकर साहेब, मनप्रताप सिंह हमारे प्रभारी मंत्री आदरणीय तुलसी सिलावट जी, हमारे मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री आदरणीय प्रद्युम्न तोमर जी, मनप्रताप सिंह हमारे मध्य प्रदेश के राज्य मंत्री आदरणीय भरत सिंह कुशवाहा जी, मनप्रताप सिंह पूर्व मंत्री और जिस विरासत को संभालने का की जिम्मेदारी उन पर है आदरणीय अनूप मिश्रा जी, मनप्रताप सिंह हमारी जिला पंचायत की अध्यक्षा श्रीमती दुर्गेश जाटव जी, हमारे दोनों अध्यक्ष अभय चौधरी साहेब, कौशल शर्मा जी, हमारी पूर्व मंत्री वर्तमान कैबिनेट सेक्रेटरी श्रीमती इमरती देवी जी, हमारे पूर्व विधायक वर्तमान के कैबिनेट सेक्रेटरी श्री मुन्नालाल गोयल साहेब, नगर निगम के अध्यक्ष, हमारे दोनों पूर्व संगठन मंत्री शैलेन बरुआ साहेब, केशव भदौरिया जी, हमारे मनोज तोमर जी, मंच पर उपस्थित सभी सामान्य महानुभाव और मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण मेरी आन बान और शान और मेरी जीवन की मकसद ग्वालियर की समस्त मेरी प्यारी जनता जनार्दन, आज एक महत्वपूर्ण दिवस पूरे भारतवर्ष में है, लेकिन उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण दिवस
परिभाषा स्थापित की, एक नई शुरुआत की और यह स्पष्ट कर दिया कि राजनीति सत्ता और कुर्सी का खेल नहीं है, राजनीति जनसेवा का माध्यम है, साहित्य का लक्ष्य है और अध्यात्म का लक्ष्य है। ऐसे हमारे स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी को हम आज श्रद्धांजलि और नमन अर्पित करते हैं। मेरे भाइयों ने उनका एक कथन था, और आज इस मंच से मैं जराना चाहता हूं क्योंकि आज भी वो इतना ही महत्वपूर्ण है। और उन्होंने कहा था कि मन हार कर मैदान नहीं जीते जाते, मन हार कर मैदान नहीं जीते जाते, ना मैदान जीतने से मन जीते जाते हैं। ये एक उदाहरण है उनकी आत्मा की विशेषता की, उनकी जीवन की शैली की विशेषता की, उनकी आध्यात्मिक सोच की। और जिस पथ पर उस राजनेता ने नहीं लेकिन उस महान पुरुष ने देश की जनता को नया राह दिखाया। और ग्वालियर का परचम केवल नहीं, मध्य प्रदेश का परचम केवल नहीं, लेकिन भारत माता का परचम पूरे विश्व में लहराया। हो अटल जी हम सबके हैं मेरे भाई और बहनों, जिनका जन्म कमल के बाग में हुआ, जिनका जन्म हमारे इस नारायणवाड़े के प्रांगण में ही गोरखी के स्कूल में हुआ था। पग पग पर एक एक दृश्य पर अटल जी की स्मृति हमें इस ग्वालियर में मिलती है मेरे भाई और बहनों। और वो दुखद दिन भी मुझे याद है, 2018 में जब उनकी अस्थि कलश ग्वालियर आई थी और ग्वालियर के महाराजपुरा एयरपोर्ट से फूलबाग तक 17 किलोमीटर का सफर, लाखों लोग खड़े थे हाथ में पुष्प लेके अर्पण करने के लिए। कई ऐसे लोग होते हैं दुनिया में मेरे भाई और बहनों, और बहुत बिरला लोग होते हैं जो एक एक वासी के दिल में अमीट छाप छोड़ के जाते हैं। और हमारी अटल जी की अगर विशेषता थी, प्रधानमंत्री होने के बावजूद उन्होंने देश के 140 करोड़ जनता के दिल में वो अमीट छाप आज तक छोड़ी है। सिंधिया परिवार के साथ तो अरुण जी इस मंच पे बैठे हुए, मैं क्या बताऊं, एक पारिवारिक संबंध में शब्द इस्तेमाल करूं तो वो काफी नहीं है। उनका हमारा एक खून का रिश्ता नहीं था लेकिन एक खून का ही रिश्ता था मेरे भाइयों और बहनों। 1944 में मेरे आजुआ जीवाजीराव सिंधिया महाराज और उनके बीच में जो एक आत्मीयता की संबंध थी, पढ़ाई की शुरुआत जब डीएवी कॉलेज कानपुर में गए थे,
उनका साथ लेकर वे वहां पहुंचे थे और जब वो शुरुआत हुई तो उनका सफर निरंतर रहा। मुझे याद है वो काला दिन 16 अगस्त 2018 चुनावी माहौल था। मैं दूसरे पार्टी में था, मैं कांग्रेस पार्टी में था। चुनावी वर्ष था और गैरतगंज में चुनावी सभा आयोजित की गई। मेरे भाषण के बीच में कोई आया मेरे पास और मुझे सूचना दी, ये दुखद सूचना दी, और उसी समय वो सभा को स्थगित करके एक शोक सभा वही आयोजित हमने करवाई और 15 मिनट अटल जी की जिंदगी पर हमने वहां बोलकर उनको श्रद्धांजलि हमने वहां दी। मेरे कहने का तात्पर्य यह है, प्रधानमंत्री बहुत आते हैं, प्रधानमंत्री बहुत जाते हैं, लेकिन वही अटल जी थे जो उस समय भी अटल थे, आज भी अटल हैं। हर दिल के एक एक कोई भी राजनीतिक व्यक्ति किसी भी दल का हो, लेकिन उनके दिल में स्थान सदैव अटल जी के लिए। जो ग्वालियर की भूमि को नामो निशान अटल जी ने दिया, हमारे ग्वालियर के कई सपूतों ने ग्वालियर का नाम रोशन किया। ये संगीत की नगरी रही है। संगीत विशेषज्ञ तानसेन जी की नगरी रही है। बेहट उनका गांव है। ये नगरी रही है उस्ताद अमजद अली खान साहेब के पिताजी उस्ताद हाफिज अली खान की नगरी रही है। उनके पुत्र उस्ताद अमजद अली खान की नगरी रही है। लक्ष्मण राव पंडित जी की नगरी रही है। इस ग्वालियर ने अनेक नवरत्न देश को दिए, लेकिन आज जो ग्वालियर का गौरव दिवस मनाया जा रहा है, परम आदरणीय अटल जी के याद में मैं धन्यवाद अर्पित करना चाहता हूं हमारे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी को, जिन्होंने ये शुरुआत मध्य प्रदेश के एक एक कोने तक करवाई है। और प्रधानमंत्री जी ने आदेश हर एक मुख्यमंत्री को दिया है कि जब शहर का गौरव दिवस मनाया जाएगा तब एक एक व्यक्ति में अपने शहर के प्रति भी वो प्रशंसा और सम्मान बढ़ेगी, जिसके आधार पर नए नए इतिहास रचे जाएंगे। आज जहां एक तरफ गौरव दिवस मनाया जा रहा है, वहीं अटल जी की स्मृति में पूरे देश में सुशासन दिवस मनाया जा रहा है। कई सरकारें आई हैं, कई सरकारें गई, कई योजनाओं की शुरुआत हुई, कई नीतियों की शुरुआत हुई, लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी ही है जो शासन को सुशासन में बदल के रखती है। यही भारतीय जनता पार्टी है जिसका लक्ष्य अंत्योदय है, आखिरी व्यक्ति का विकास। और इसलिए प्रधानमंत्री जी का संदेश सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सभी का प्रयास, उसी के आधार पर आपकी और हमारी भारत माता विश्व पर एक नक्षत्र की तरह उभर के रहेगी, इसका हमें पूरा पूरा विश्वास है मेरे भाइयों बहनों। तो आज के दिन हम स्वर्गीय अटल जी को नमन करते हैं, ऐसे शिल्पकार जिन्होंने देश को नया रूप दिया। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत पूरे देश में हाईवे के क्वाड्रिलेटरल जोड़कर, और सबसे बड़ी बात भारत की रक्षा नीति में पोखरान में न्यूक्लियर ब्लास्ट करके भारत को न्यूक्लियर पावर बनाने का काम अगर किसी ने किया तो स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने किया।
और वही लकीर हमारे प्रधानमंत्री आगे बढ़ाते जा रहे हैं। अंत में मैं ये कहना चाहता हूं कि हिंदी की एक गान है जिसमें शब्द लिखे गए हैं और वो शब्द है कि मेरी आवाज ही पहचान है, मेरी आवाज ही पहचान है, अगर याद रहे तो। आज इस दिवस पर अटल जी की आवाज, अटल जी की विचार, अटल जी के मूल्य और सिद्धांतों पर वही संकल्प हम लोग हाथ उठाकर मुट्ठी बांधकर संकल्प ले कि उनके दिखाए हुए पथ पर हाथ उठाकर मुट्ठी बांधकर संकल्प ले कि उनके दिखाए हुए पथ पर चलकर ग्वालियर का विकास और मध्य प्रदेश का विकास सुनिश्चित करके रखेंगे। धन्यवाद। जय हिंद। जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय। ग्वालियर के कमल सिंह के बाग से लेकर राजधानी दिल्ली के जनपथ, राजपथ और न्यूयॉर्क स्थित संयुक्त राष्ट्र संघ के सभागार तक अटल जी ने अपने शब्दों से जो कोलाहल उत्पन्न किया उसे लोकनायक जयप्रकाश नारायण की सार गर्भित टिप्पणी में समाहित किया जा सकता है। वो कहते हैं कि अटल जी की जिभा पर साक्षात सरस्वती विराजती है। ऐसे अटल जी को ग्वालियर आज श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहा है। हम अपने अतिथियों के आशीर्वचन के तत्काल बाद सुप्रसिद्ध पार्श्व गायिका अनुराधा पोडवाल को सुनेंगे और बड़े ही आग्रह और सम्मान के साथ मैं आमंत्रित कर रहा हूं केंद्रीय कृषि मंत्री माननीय श्री नरेंद्र सिंह जी तोमर, बहुत श्रद्धा के साथ और बहुत सम्मान के साथ।